गाइज आपके साथ भी ये प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल सा। मैं इंस्टाग्राम पर जाता हूँ और गाइज यहाँ पर मैं किसी का भी स्टोरी देखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते कुछ इस तरह प्ले होता है, लेकिन आपका वहाँ पर स्टोरी प्ले नहीं होता है किसी किसी का। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ टाइप का मैसेज होता है, देख सकते हो यहाँ पर दिस स्टोरी अनअवेलेबल कुछ तरह लिखा होता है, तो गाइज वहाँ पर आप स्टोरी नहीं देख पाते हो। तो गाइज आप कैसे फिर भी वो स्टोरी देख सकती हो, तो गाइज किस रीजन से ये कुछ टाइप के यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, स्टोरी शो नहीं हो रहा है, या तो गाइज आपने मेंशन बैक किया हुआ था जैसे कि कुछ टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइस कैसे आप इसको ठीक करना है अभी आपको बताऊंगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को एक लाइक करना। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप कुछ इस तरह इंस्टाग्राम को रिफ्रेश कर रहे हो, फिर भी गाइस नहीं हो रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंस्टाग्राम को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर फिर से गाइस अपना इंस्टाग्राम को ओपन करना है। जैसे आप अपना इंस्टाग्राम को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद से उसी स्टोरी के ऊपर क्लिक करते हो, तो गाइस आपको यहाँ पर दिस स्टोरी अनअवेलेबल कुछ टाइप का मैसेज शो होता है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये स्टोरी अभी डिलीट हो चुका है, तो गाइस इसको आप कैसे हटा सकते हो, जैसे कि इसको कैसे गायब कर सकते हो। लेकिन आपके साथ ये क्यों हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर कुछ टाइप का मैसेज क्यों शो हो रहा है, तो गाइस उसके लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपका जो भी इंटरनेट है वो स्लो है, या तो गाइस आप इधर उधर आपका इंटरनेट काफ़ी स्लो है, इसके वजह से इंस्टाग्राम रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो गाइस आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम बैकग्राउंड में है तो गाइस क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अपना इंटरनेट एक बार ठीक कर लेना, जैसे कि थोड़ा स्पीड होना चाहिए इंटरनेट, आपका नेट स्लो है तो गाइस आप दूसरा सिम से हॉटस्पॉट ले सकते हो। लेने के बाद यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पर जाना और गाइस यहाँ पर आप कुछ से रिफ्रेश करते हो, तो गाइस वो स्टोरी गायब हो जाएगा, क्योंकि उसने आपको मेंशन किया था, मेंशन बैक दे दिया, तो गाइस अभी उसने उस स्टोरी को डिलीट कर दिया, तो गाइस अभी वहाँ से जैसे कि कुछ टाइप का प्रॉब्लम शो होता है। तो गाइस जैसे ही उसने वहाँ से स्टोरी डिलीट कर दिया, तो गाइस आपका स्टोरी में वो मेंशन हुआ था, तो गाइस जैसे कि वो भी यहाँ पर कुछ टाइप का दिखाता है, जैसे कि अनअवेलेबल कुछ टाइप की स्टोरी डिलीट हो चुका है। तो गाइस उसको आप जैसे रिफ्रेश करते हो, या तो गाइस किसी का आप देखते हो, तो गाइस उसको आप कुछ रिफ्रेश करते हो और गाइस आपका इंटरनेट काफ़ी अच्छा है, तो गाइस आपका जैसे कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम फिक्स आउट हो जाएगा, जैसे कि वो स्टोरी यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेट के कारण ये प्रॉब्लम शो होता है। आपको एक बार रिफ्रेश करना है तो आपका जैसे कि ये ठीक हो जाएगा। तो गाइस चलो आज का इस प्रॉब्लम में कुछ इतना ही।